जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग टू SSC GD नोटिफिकेशन। आप सभी को पता है कि आज 1 मई हो गई है और SSC GD की नोटिफिकेशन की जो डेट थी वो थी कि मई के पहले वीक में। इसको लेकर बहुत सारे मैसेज आए और मैं भी बाकी कुछ 5-6 दिनों से बहुत सारे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मेरा एक भी वीडियो नहीं आया इन दिनों में। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि सर आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे, क्या रीज़न है। तो दोस्तों वो रीज़न भी बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा SSC GD की जो अभी की अपडेट है वो क्या है, कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्योंकि जो डेट है वो थी, आप सभी को पता है कि मई का फर्स्ट वीक था और मई के फर्स्ट वीक में ही SSC GD की नोटिफिकेशन आनी थी। तो क्या वो नोटिफिकेशन आएगी या डिले हो जाएगी, अब क्या रहेगा उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानने को पूरा कुछ मिल जाएगा और आपके सभी प्रकार के जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों एक तो मैं बता दूँ, अभी प्रेजेंट टाइम में जो महामारी चल रही है कोरोना की, तो एक तो इसको हल्के में ना ले सबसे पहली बात। बहुत सारे जो मेरे नियर जो नज़दीक मिलने वाले हैं वो भी इससे ग्रसित हुए हैं और बहुत सारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि आप न्यूज़ पूरे दिन ना देखें, न्यूज़ को देख देख के आपकी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको 100% गारंटी के साथ लिख देता हूँ, अगले 15 दिन यानी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल होगा अपने देश में, क्योंकि ऑक्सीजन के नए प्लांट बन रहे हैं और सभी प्रकार की जो सुविधा है वो मिल रही है। अब आप सभी को पता है वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है बहुत ही ज़ोरों से और बहुत जल्दी यानी कुछ समय में इसमें बदलाव आएगा। 10 से 15 दिन तक आप मान के चलिए, उसके बाद में इसका पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। क्योंकि जो भी लोग वैक्सीनेशन हो जाता है उनको फिर कोरोना अगर इफेक्ट भी करता है तो उस लेवल पर जाके इफेक्ट नहीं कर पाता है जिस पर बिना वैक्सीनेशन के वो इफेक्ट करता है। तो आप मान के चलिए अगले 15 दिन बाद में, आज की डेट लगा लीजिए 15 मई तक, अगर किसी भी शहर में लॉकडाउन रहता है या किसी भी कुछ भी रहता है तो उसकी पालना आप ज़रूर करें, ताकि आपका ना ही कोई चालान कटे ना ही सरकार को कोई भी प्रॉब्लम हो अपने काम को सही रूप से सुचारू करने में। और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये महामारी पर वापस फिर से कोरोना पर जीत जाएगा इंडिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों ऑक्सीजन की जो कमी आई थी वो भी धीरे धीरे पूरी होने जा रही है। बहुत सारे शहरों में, हमारे नज़दीकी शहरों में भी ऑक्सीजन के प्लांट बन रहे हैं, तो सभी प्रकार की जो बीमारी है इससे जीत हो जाएगी। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप नकारात्मक चीज़ें ना देखें। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की, और पिछले 4-5 दिन से मेरे वीडियो भी नहीं आए, उसका रीज़न भी मैं बता दूं दोस्तों कि कुछ तो लॉकडाउन लग गया, कुछ जो मेरे नज़दीक है उनको कोरोना पॉजिटिव भी आ गए थे, तो उनके साथ में उनकी हेल्प करने के चक्कर में भी रहा। साथ में अपना जो ऑनलाइन क्लासेज का शुरू होने वाला है 2-4 दिन में ऑनलाइन क्लासेज, उसके साथ में प्ले स्टोर पर आपको अपना ऐप भी देखने को मिलेगा। तो सभी प्रकार की उस सुविधाओं में जिससे कि आपकी मदद कर सकूँ, मैं SSC GD एग्ज़ाम है उसके लिए लगा हूँ। तो यानी आपको 30 तारीख के आसपास मैंने बोला था कि शुरू हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्लासेज शुरू नहीं हो पा रही है। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति ऐसी बन रखी है देश में कि कोई भी चीज़ सुविधा करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो SSC GD की जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारे बच्चे चिंतित है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगी। तो मैं बता दूं मई का फर्स्ट वीक चल रहा है और नोटिफिकेशन SSC GD के द्वारा ऐसा हुआ नहीं कि दूसरी बार डेट दी है और नोटिफिकेशन फिर भी नहीं आई। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि इस बार आप सभी को पता है हर एक स्टेट में लॉकडाउन है, दिल्ली महाराष्ट्र जैसे स्टेटों में बहुत ही ज़्यादा लॉकडाउन है, बहुत सारे ऐसे स्टेट राजस्थान मध्य प्रदेश यहाँ पर भी बाहर निकलने पर भी पाबंदियाँ लगा दी गई है। और आने वाली 3-4 तारीख से इन सभी सिटियों में यानी जयपुर, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, दिल्ली, इनमें और ही तगड़ा कर्फ्यू लगने के चांसेस है अगले 15 दिन के लिए। तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन लेट आए, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आएगी तो भी फॉर्म अभी से सबमिट नहीं होंगे दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर नोटिफिकेशन मान लो अगर मई के फर्स्ट वीक में आती है तो फॉर्म सबमिट नहीं होंगे, बाकी 90% चांस है कि आपकी नोटिफिकेशन मई में की फर्स्ट वीक में नहीं आएगी, नोटिफिकेशन डिले हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसको लेकर आपको नकारात्मक सोच ये नहीं लानी है कि नोटिफिकेशन नहीं आई तो वैकेंसी नहीं आएगी या वैकेंसी नहीं होगी। दोस्तों आप सभी को पता है कि सभी कार्यालय बंद है, SSC का चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई कार्यालय हो, सभी प्रकार के कार्यालय बंद कर दिए गए दिल्ली सरकार द्वारा, निजी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। तो कोई भी अगर वहाँ से वहाँ तक जाता है तो ट्रेवल करना बहुत मुश्किल हो रहा है और काम करने में बहुत ही तकलीफ हो रही है, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिस हो ये और भी कोई भी दिल्ली का गवर्नमेंट दफ्तर हो। आप सभी को पता है कि जितने भी बड़े बड़े ऑफिस है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, SSC के, वो सभी दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलोर ऐसी सिटियों में, और जहाँ पर भी लॉकडाउन की सख्ती बहुत ही तेज़ चल रही है। तो हो सकता है कि आज तक नहीं हुआ है कि SSC अगर दूसरी बार डेट दी हो उस पर खरी ना उतरे हो, लेकिन इस बार हो सकता है कि SSC की नोटिफिकेशन डिले हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं डिले हो सकती है कोरोना की वजह से, आप सभी को पता है। अगर नोटिफिकेशन दे भी देंगे तो आप फार्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भी गुजरात, लगभग सभी स्टेट में बहुत ही ज़्यादा कोरोना फैल रहा है और उसके लिए लॉकडाउन की पाबंदियाँ रखी गई है। तो लॉकडाउन की पाबंदियों को तोड़कर फार्म तो आप भर नहीं सकते, फॉर्म फिलअप कर नहीं सकते। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जितनी भी वैकेंसी आया उन सभी को
स्टॉप कर रखा है, वो सभी को रोक दिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिले, लेकिन इससे आपके दिमाग में, दिल में कहीं पे भी नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी। जैसे ही कोरोना की लहर कुछ कम हो जाती है, नोटिफिकेशन वापस से आएगी। अगर नोटिफिकेशन आती भी है मई के फर्स्ट वीक में, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अभी कोई भी गवर्नमेंट वर्कर काम नहीं कर पा रहा, चाहे वो एक हॉस्पिटल पुलिस फोर्स को छोड़ के बाकी जितने भी वर्क है उनमें अभी काम नहीं चल रहा है। कोई भी ऑफिस हो गई, क्योंकि ऑफिस पूर्ण रूप से बंद है, तो फिर नोटिफिकेशन तो काम से आएगी। जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर पा रहा है तो नोटिफिकेशन आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो नोटिफिकेशन के आप, लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन के लिए आप ये ना सोचें कि नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो भर्ती नहीं आएगी या पढ़ के क्या फ़ायदा, ऐसा कतई नहीं करना है। आपको पॉजिटिव सोच रखनी है, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन अगर डिले भी हो जाती है और अगर आएगी तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस महीने में फॉर्म भरने की अनुमति 100% नहीं रहेगी। यानी मई के महीने में एसएससी जीडी के फॉर्म भरने की अनुमति आपको 100% नहीं रहेगी, अगर नोटिफिकेशन आती भी है तो। और अगर नहीं भी आती तो भी मई के महीने में फॉर्म भरने की अनुमति नहीं रहेगी। उसका रीज़न आप सभी को पता है, आप सभी अच्छे से पढ़े लिखे इंसान हो, आप सभी को पता है कि फॉर्म भरने की अनुमति देके कितना बड़ा रिस्क लिया जा सकता है। कोरोना काल में हर एक स्टेट अभी जूझ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो वैकेंसी थोड़ी सी डिले हो जाएगी। लेकिन आपको मेन चीज़ ये है, नकारात्मक सोच नहीं रखनी है, अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रखना है, अपनी सोच को सकारात्मक रखनी है, अपनी तैयारी करनी है। आपका जो ये समय है इसको फालतू की न्यूज़ देखने में, फालतूबाजी में करने में या कोरोना से रिलेटेड बातें करने में ही ना निकालें। आपको पढ़ने का समय है, लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, पढ़ने वाले बच्चे के क्या लॉकडाउन, वो घर पर रहकर पढ़ाई कर सकता है। ऑनलाइन कोर्सेज आप ऑनलाइन कोर्स से पढ़ सकते हो, और बहुत जल्दी हमारे भी ऑनलाइन कोर्स आपके आने वाले हैं। आप 5-6 दिन में प्ले स्टोर पर अपना कमांडो अकेडमी ऐप आने वाला है, तो उससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। एसएससी जीडी के बच्चों को, आरपीएफ कॉन्स्टेबल के बच्चों को, जो आर्मी की तैयारी करते हैं उन बच्चों को, और बाकी हर एक सब्जेक्ट की वहाँ पर आपको क्लासें मिलेगी। तो इसीलिए आप तैयारी करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन नकारात्मक ना रहिए, सकारात्मक सोच के साथ में, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया टिकी है बेटा। अगर आप किसी चीज़ की उम्मीद करते हो तो उस पर दुनिया टिके, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो उम्मीदों पे टिकना है, ठीक है, उम्मीदों पे टिकना, उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी है। जल्दी आप ये मान के चलिए अगला 15-20 दिन का जो समय होगा उसमें पूरे देश में कोरोना की लहर ख़त्म के आसपास आ जाएगी। आप देख लेना केसेस बचेंगे, लेकिन सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, और उसके बाद में नोटिफिकेशन और फॉर्म भी आ जाएंगे। तो हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन अब ना आए, तो इसको लेके आप ज़्यादा चिंतित ना हो, ठीक है। आती भी है तो भी आपके फॉर्म मई में नहीं भरे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, और हो सकता है कि ना भी आए, तो दोनों को आप दिमाग में नहीं लेना है। और नोटिफिकेशन के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, ज़्यादा फोकस किस पे करना है बेटा, अपनी पढ़ाई पे करना है, पढ़ाई करते रहिए, नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।